देखो देखो मेरी पतंग तो बर्ड्स के साथ हो रही है। वाव मम्मी, कामिनी ने कागज अपनी पतंग के साथ बांध रखे हैं। अर्जुन, हम चले। यू कैन डू इट। Come on, Shinji girl. अब गुड बॉय और Shinji girl साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। Come on, Shinji girl. Come on. हाँ अर्जुन, हम ही जीतेंगे। हाँ हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरी टीम तेरे साथ है बेटा, लगा के दम। मिस्ट्री 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 का मिस्ट्री मिस्ट्री लगा रखा है। कमीनी तुम्हारे मांजे की धार इतनी तेज नहीं है मिश्री कि तुम मेरे पतंग या मेरे प्लान को काट सको। तुम्हारे पतंग की ऊंची उड़ान मिश्री माइंड नहीं करती, पर तुम्हारी जुर्रत की उड़ान उसे तो हम रोक के ही रहेंगे। साथ देना मम्मी। मुझे मिश्री के पहले उन कागजों तक पहुंचना ही होगा। बातें फायदे मतलब दोस्ती दुश्मनी से परे होती है कामिनी, और ये उन बातों से परे है। ये तिरंगा है और इसके आगे हम मिश्री और तुम कामिनी नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसके लिए न जाने कितने खाक हो गए और तुम इसे मिट्टी में गिराओगी। ए आवाज नीचे, आवाज नीचे तुम रखो कामिनी। आज हमारी आवाज में करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज मिली है, और जब करोड़ों आवाज मिल जाती है तब वो दहाड़ बन जाती है। अरे दहाड़ तो सरहद पार भी सुनाई देती है,
तुम तक तो पहुंच ही जाएगी। एक मिनट कामिनी, हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमारे देश की एक परंपरा है, हम मेहमानों को दरवाजे तक छोड़कर आते हैं और घुसपैठियों को खदेड़ के। और तुम अब घुसपैठिया हो गई हो कामिनी, और तुम्हारे साथ ये परंपरा निभाना मिश्री माइंड नहीं करेगी। लहराता तिरंगा जीत का ऐलान होता है और तुम अपनी चाले चलो, और जीत का ऐलान तो हो चुका। खाऊंगा। हाँ तू जरूर खाएगा, एक मिनट रुक। ये ले, तू ही तो है इस घर का कान्हा। और मुझे भी। हाँ हाँ तुझे भी जरूर मिलेगा, तू जो है कान्हा का बाल रूप। लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल को लड्डू जरूर मिलेगा। एक मिनट। के प्लान बना,
चिड़चिड़ी सकले नहीं, हर कोनो को शक हो गया ना तो तेरा तो काम भी भला न कर पाएगा। हाँ आजकल तो खुशियां ऐसे लग रही हैं जैसे जैसे हम सपना देख रहे हो। हाँ खुली और सब खत्म हो जाएगा। बाम, ये खुशियां ही अब इस घर का सच है। और देखिएगा आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का भी आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। कृपा करना भगवान। माँ, हाँ? हम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते? क्योंकि आज के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। कोई स्टोरी सुना दीजिए ना सीनियर दादी। घंटी बेटा, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो युगों युगों से चलती आ रही है। कृष्ण भगवान के जन्म के पहले बुराई की ताकत बढ़ती जा रही थी, इसलिए पापियों का सर्वनाश करने के लिए आज के दिन आधी रात को कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हाँ बेटा, इसीलिए हम आज के दिन कृष्ण के लिए झांकी सजाते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और उनका मन पसंद भोग माखन मिश्री उन्हें अर्पित करते हैं। मिश्री, माँ हम जरा आज बाहर दही हांडी की तैयारी देख के आते हैं। हाँ ठीक है। अनगिनत असुरों के लिए आपको धरती पर उतरना पड़ा था कान्हा जी, इस एक के लिए तो आपका नाम और आपकी ये भक्ति काफी है। आज रात 12 बजे से पहले हम कामिनी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। साथ दे दीजिएगा कान्हा जी। तुम्हें अपने भगवान पर बहुत भरोसा है ना, पर तुम्हारा ये भरोसा तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कम पड़ जाएगा आज। तुम्हें बहुत शौक है ना मिश्री अपने पूरे परिवार को एक साथ रखने का, तो चलो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ खत्म करूंगी मैं। और तुम जानती हो कि मेरा शैतान बहुत शैतान है, तो मेरे ये शैतान को असली खुशी तब होगी जब किसी मासूम की बलि चढ़ेगी। और ये है वो मासूम घंटी। देखा
ये तो किसी और का बेटा था, कोई और थे इसके माँ बाप, पर अब पूरी दुनिया के लिए अर्जुन का बेटा है, यानी करोड़ों के जायदाद का मालिक। और मैं उसकी माँ, यानी अगर ये मर गया या ऐसे कुछ भी हो गया तो ये सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाएगी। क्या आप इसे पहचानती हो? किसी औरत ने हमारे बच्चों को किडनैप किया था, हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, पुलिस भी तब से इसे ही ढूंढ रही है पुलिस। मेरा बच्चा कैसा है? आज पूरी दुनिया माखन खाएगी, पर मिश्री और उसका पूरा परिवार जहर खाएगा। आज होगा पूरे अवस्थी परिवार का अंत। सिजगुल, सिजगुल, अर्जुन, बोलो ना, इंपॉर्टेंट बात कब बताओगी? अश्विन को आने दो अर्जुन, अश्विन कुछ पता चल जाएगा। ओके, कब आएगा? भाभी, भाभी ये मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ पैर पड़ती हूँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरा बच्चा अश्विन, क्या यही? हाँ भाभी, यही घंटी के असली पेरेंट्स हैं। असली पेरेंट्स? हाँ, अश्विन ने इन्हें सोशल मीडिया पर ढूंढ निकाला। घंटी इनका बेटा है, कामिनी का नहीं। कौन कामिनी? कौन घंटी? अश्विन ने हमें बताया कि आपका बेटा अगवा हुआ था। क्या आप इसे पहचानती हो? किसी औरत ने हमारे बच्चों को किडनैप किया था, हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, पुलिस भी तब से इसे ही ढूंढ रही है पुलिस। मेरा बच्चा कैसा है? तो सबको जा चुका है। बता बेटा। जी माँ। वो मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। आ जा। अश्विन अभी तक दही माखन लेकर नहीं आया। जरा फोन तो लगा। दादी जी, मैं दही माखन लेकर आ गई। हर साल मंदिर के लिए लेकर आती हूँ, पर अब तो ये घर ही मेरा मंदिर है, तो मैं सुबह ही ले आई थी। दादी जी, थैंक यू बेटा, खुश रहो। आपके परिवार और उस घंटी को दर्दनाक मौत देना तो मेरा फर्ज है दादी माँ।
सुनने को हम याद होंगे बिकिनी। ये औरत कुछ कर तो नहीं देगी हमारे बच्चे को। सदियों पहले आज के दिन एक माँ उसके बच्चे के लिए परेशान हुई थी, उसके लिए डरी हुई थी, देव की माँ। पर उन्होंने हिम्मत की और उस बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा सारी दुनिया के लिए बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। माँ यशोदा के लिए वरदान और धरती के लिए भगवान बन गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे। लगता है आ गया वक्त। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, लगता है आ गया वक्त। दादी माँ।